सब्सक्राइब कीजिए मैथ सर्कल को और हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ सर्कल। हम यहाँ पर अपना 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर को कर रहे हैं, जिसमें हमने तीन पार्ट कर चुके हैं, ये फोर्थ पार्ट होगा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। और हम यहाँ पर अपने लास्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो में, हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। आज फिफ्थ से लेकर 14th क्वेश्चन तक का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, फिर आगे को वीडियो इसी तरह से चलते रहेंगे। तो देखिए, आज यहाँ का जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ये क्या है जरा देखिए। क्वेश्चन में बोला है, इस तरह से क्वेश्चन दिया है, 1 - i - -1 + i6, इसको सॉल्व करना है और a + ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लिखना है लास्ट में। तो आंसर जो आएगा वो a + ib के फॉर्म में आएगा, ध्यान रखिएगा इस पर। तो आगे सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -1 हो जाएगा और ये माइनस इस प्लस के साथ जाएगा तो -± i6। अब देखिए, साथ में एक जैसे नंबर 1 और 1, 1 + 1, 2, -i - 6i, यानी -7i हो जाएगा आंसर, a + ib, इस तरह से बन चुका है ये हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर चलेंगे आगे। इजी भी हैं कुछ क्वेश्चन, टफ भी हैं, तो सारे कर रहे हैं, देखना कि क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए। प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि सारे क्वेश्चन करने हैं हमें। 4i 5/2 एक इस तरह से दिया गया है, इसको देखिए क्या होगा। सेम ब्रैकेट ओपन करेंगे, -4 और -± 5/2 i कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों एक जैसे हैं, इनको एक साथ सॉल्व करेंगे, और ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको एक साथ सॉल्व करेंगे, i वाले और ये वाले। पहले एक साथ लिख लेते हैं, 1/5 - 4 और ये i, 2/5 i - 5/2 i। एलसीएम लेंगे इनका, 5 LCM 1 - 20 + इनका एलसीएम 5 2 = 10, 2 2 = 4i - 25i। यहाँ आएगा -19/5 और यहाँ आएगा -21i of 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा a + ib, इस तरह से इस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। सिक्स क्वेश्चन नोट करते रहिए साथ में। सेवन्थ की ओर चलेंगे। सेवन्थ क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी लंबा सा लिख रखा है, आंसर छोटा होगा। ये आप जानते हैं कि क्वेश्चन जो लंबे होते हैं उनका आंसर काफ़ी छोटा होता है। आगे देखिए, है कुछ नहीं, बस ये नॉर्मल बेसिक जो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वही है, बस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड और सब्ट्रैक करना सिखा रहे हैं यहाँ पर बस। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो सारे ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 1/3 + 7/3 i, मैं आई को पीछे लिख रहा हूँ, +4 + 1/3 i, यहाँ ब्रैकेट अंदर ओपन होगा तो -±+4/3 और ये माइनस इसके साथ आएगा -±i। साथ में ध्यान रखिए कि एक जैसे टर्म, ये तीन एक जैसे हैं, इनको एक साथ लिखते हैं, 1/3 + 4 + 4/3, बचे हुए ये तीन एक जैसे हैं i वाले, इनको एक साथ +7/3 i + 1/3 i - i सॉल्व करेंगे। तीनों का एलसीएम लेंगे 3, 1 + 12 + 4 + यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3, तो क्या होगा, 7i + 1i, या i कहें इसे, -3i। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 12 4 16 17/3 + 7 और 1 8 8 - 3 5i/3 आंसर a + ib, इसके फॉर्म में हमने इसे भी रिप्रेजेंट कर लिया है। तो सारे क्वेश्चनों को आप नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे 8th क्वेश्चन की ओर। 9th, 10th सारे क्वेश्चन करने हैं आज। ठीक है, तो 14 तक सारे कंप्लीट करेंगे। वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें भी इस चैप्टर की नीड हो। तो 8th क्वेश्चन है, 1 - i की पावर 4, अच्छा क्वेश्चन दिया है, a - b की पावर 4। आपको या तो ये फॉर्मूला आना चाहिए a - b की पावर 4 वाला, क्या है जरा देखिए, a की पावर 4 - 4, जैसे ये इस तरह से बनता है, 1 2 1 1 3 3 1, ठीक है, 1 4 6 4 1, ठीक है, 4a³ + 6a² b² - 4ab³ + b की पावर 4, या तो ये याद होना चाहिए
या अगर आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है तब भी कर सकते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, इसको स्क्वायर ऑफ स्क्वायर में ब्रेक कर लेंगे 4 को, ठीक है। अब आप अंदर वाले का स्क्वायर ओपन करिए तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। अब आगे सॉल्व करिए, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो रखेंगे 1 - 1 कैंसिल आउट, -2 i का स्क्वायर तो ये आएगा 4 i स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -4 इज द आंसर, या उससे करेंगे तो भी यही आएगा। बस आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बाकी ये जो चीज़ें हैं मैं बाद में समझा दूंगा कभी, ठीक है। कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे याद करना है, क्यू कैसे याद करना है, फोर कैसे याद करना है, 5 6 7 8 जितना चाहें उतना याद कर सकते हैं, किस तरह से करना है। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन कह रहा है 1/3 + 3 i का होल क्यूब। ये बस अलजेब्रा को हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिए गए हैं कि ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए इसलिए दिया गया है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab² ठीक है। सॉल्व करते हैं, ए 1 का क्यूब 1, 3 का 27 प्लस 3 3 9, 3 3 27 आई क्यूब प्लस 3 और 3 9 i, यहाँ 1 का क्यूब 1 ही हुआ, 3 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ 3 3 कैंसिल तो 9 i² 9 9 यहाँ कैंसिल, 1/27, यहाँ पर आई क्यूब की वैल्यू -i होती है तो माइनस आगे आ गया और i यहीं रहा, प्लस i यहाँ i² -1 होता है तो -9 हो जाएगा। ये दोनों एक तरह के हैं तो एक साथ सॉल्व होंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 27, 1 माइनस ये आएगा 9 7 63, 6 9 2 18, 6 24 -27 और +26 i हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस इस तरह से, और ये आएगा -242/27 -26 i, ए प्लस बी आई की फॉर्म में इस तरह से हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड है, बस हो गया बाकी कुछ नहीं है। 9th हो चुका है, 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, नोट कर लीजिएगा साथ में, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो आगे आपका। आपको नोट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नोट्स जरूर बनाना। एक बार आपने इस चैप्टर के नोट्स बना दिए तो आप जो भी एग्जाम देंगे, चाहे आप एकेडमिक दे रहे हैं तो हमेशा पूरे साल भर काम आने वाला है, और हो सकता है कि अगले साल आप अपने दोस्तों को भी, जो आपके छोटे होंगे भाई बहन, उनको भी दे सकते हैं ये नोट्स, जिससे उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। और साथ में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं टीचर एग्जाम्स की, तो वहाँ पर 11th 12th हर जगह आता है, एक बार आप बना लेंगे तो आपको सारे एग्जाम्स के लिए हमेशा के लिए ये नोट्स बने हुए रह जाएंगे। बस आपको फिर प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन देखने हैं, सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है, फुल एनसीईआरटी पूरा चैप्टर, चाहे थ्योरी पोर्शन हो सब थ्योरी पोर्शन, और जितने क्वेश्चन और जितने एग्जाम्पल हैं सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने 10th क्वेश्चन की ओर। यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करने के लिए फॉर्मूला दिया है, तो ये कह रहा है इसको ओपन करिए। तो ए माइनस बी का होल क्यूब है, ए माइनस बी नहीं कह के हुए इसे हम ए प्लस बी ही कहेंगे, किस तरह से, दोनों जगह सेम सिंबल्स हैं, ठीक है। फिलहाल आप आगे देखिए, इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, ये भी प्लस, कई लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए। अब देखिए माइनस का क्यूब क्या होगा, माइनस हो गया बाहर, और ये क्यूब इसके साथ सेपरेटली आ जाएगा, इसके साथ भी हो गया, ये बाहर अलग हो गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, माइनस अंदर इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab² ठीक है। अब आगे देखिए, माइनस 2 का क्यूब 8 प्लस 1/27 i³ प्लस 3 3 कैंसिल, 2 2 जा 4 i प्लस 3 × 2 6 × 1/9 i² तो 6, और ये 3 3 जा 3 2 जा कैंसिल आउट। आगे सॉल्व करते हैं, -8 प्लस, आपको पता है आई क्यूब के लिए माइनस आई होती है, तो 1/27 ऑफ आई प्लस 4 i, आगे प्लस क्या बचा यहाँ पर, 2/3 i² आई स्क्वायर के लिए -1 है तो -2/3 आएगा। अब आप देखिए ये दो एक तरह के हैं, एक साथ लिख के सॉल्व होंगे, ये दो एक तरह के हैं एक साथ सॉल्व होंगे, लिखते हैं, माइनस बाहर पर है, अंदर 8 - 2/3 एक साथ लिख लिया, फिर बचे हुए -1/27 i प्लस 4 i, ये एक साथ सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम एक साथ 24 - 2, इनका एलसीएम एक साथ i,
और यहाँ पर प्लस 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 to 10, 108 i। सॉल्व करेंगे माइनस 22/3, यहाँ ध्यान दीजिए माइनस आई और प्लस 108 है, सॉल्व करेंगे तो प्लस 107 i होगा अपॉन 27। बस माइनस को अंदर ले जाइए, माइनस 22/3 माइनस 107 i/27, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा था इसलिए। 10th क्वेश्चन, तो 5.1 का 10th क्वेश्चन है जो हमारा, उस पर आंसर आ रहा है माइनस 22/3 माइनस i107/27। तो सही आंसर है, तो एग्जैक्ट यही आंसर आ रहा है, बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ध्यान रखिए कि इस पे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, माइनस कॉमन लेकर आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, 11th क्वेश्चन, इसको नोट करिए, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसे हम, कैलकुलेशन अच्छी है। दूसरा, फॉर्मूला कौन सा लगाना है, स्टार्टिंग अगर गलत कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत जाएगा, या इस तरह से आंसर आ रहा होगा तो आप सोच रहे होंगे तो अलग से आंसर आ रहा है, अगर पहली बार क्वेश्चन देखा होगा तो आपको लगेगा गलत है, लेकिन ये आंसर सही है, मेथड भी सही है। आगे बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। रेड से दिख कैसा रहा है? ठीक है, दिख तो रहा होगा, तो बाकी कुछ है नहीं, रेड वैसे ज्यादा चमकता नहीं है, लेकिन लिखने और मिटाने में सबसे आसान है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर, 11th की ओर चल रहे हैं। 14 क्वेश्चन है टोटल, यानी 4 क्वेश्चन बचे हैं हमारे 11th क्वेश्चन की ओर। देखिए ये है, कह रहा है कि ऊपर पे फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है 4 - 3 i का। आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/4 - 3 i। कैसे करेंगे, रैशनलाइज, सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, बस सिंबल चेंज करेंगे दोनों जगह। तो आप देख रहे होंगे ऊपर 4 + 3 i * 1 करेंगे तो यही आएगा, नीचे a - b a + b होगा, जिसका मतलब है a² - b²। तो 4 + 3 i / 4 4 = 16 9 i² i² की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, -1, तो 16 - 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +9, 25, 4 + 3 i / 25, आप ले जाएंगे सेपरेट करेंगे 25 इसके अपॉन में भी और इसके अपॉन में भी, तो बन गया ये a + ib के फॉर्म में, और 4 + 3 i का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा इस तरह से 4/25 + 3 i / 25। समझ में आ गया होगा आपको, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। 12th क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन ईजी है, कोई खास नहीं, सभी में आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है, 11, 12 और 13 तीनों क्वेश्चनों पे, तीनों लिख लेते हैं, आप खुद भी सॉल्व करिए फिर इसको चेक करिए क्या आपका सही है या नहीं है इस तरह से। ठीक है, तो आपको एक बार खुद करना है इन दोनों क्वेश्चनों को, फिर उसके बाद वीडियो को प्ले करिएगा, पॉज कर दीजिए और फिर देखिएगा सही है या नहीं है। तो हम देखते हैं, हमें पता है 1/a होता है, रैशनलाइज करेंगे तो आगे देखेंगे कि ऊपर तो सेम ही रहेगा, नीचे a + b a - b है तो a² - b² हो जाएगा, तो आगे किस तरह से आएगा ये 5 - 9 i² i² - 1 होता है तो 5 + 9 हो जाएगा 14, तो आगे क्या आएगा, √5 के अपॉन में भी हम 14 को ले जाएंगे, -3 i के अपॉन में भी 14 को ले जाएंगे, तो आंसर ऐसा आना चाहिए। क्या ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो आपको समझ में आ चुका है ये क्वेश्चन, नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से देखिए आपको आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका निकालना है तो 1/-i होगा, हाफ आई और आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आई नीचे -i² i² की वैल्यू -1 होती है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी आई इसका आंसर, -i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, आई होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन इस तरह से हो गए हैं, आगे बढ़ेंगे, 14th लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ का, और इसके बाद एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम एग्जाम पास करेंगे आगे के, और 7, 8 2 एग्जाम्पल हैं, बाकी 8 क्वेश्चन हैं, 10 हैं, तो एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे अगले एक्सरसाइज। ठीक है, तो बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। हम अपने 14th और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे इस एक्सरसाइज के और इस वीडियो के भी। ठीक है, उसके बाद फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, और यहाँ ध्यान रखिए रोज रात के 9 से 10 बजे के बीच में एक वीडियो हमेशा 11th क्लास की आते रहेगी, हमेशा 11th की कंप्लीट एक वीडियो हमेशा आएगी। ठीक है, 20 मिनट के आसपास वाली, या उससे बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन रोज एक वीडियो आपको पक्का 9 से 10 के बीच में मिलेगी। ठीक है, 10 बजे हो सकता है करेक्ट 10 में मिले या 9 में मिले, लेकिन 9 से 10 के बीच में ही मिलनी है वो वीडियो। हाँ, तो मेमोरी फुल होने की वजह से क्या हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमें दिया है ये क्वेश्चन इस तरह से, इसको a + ib के फॉर्म में लिखना है, बहुत ईजी है, ऊपर a + b a - b दिख रहा है तो a² - b² हो जाएगा,
आगे देखिए नीचे माइनस सिंबल है, यहाँ जल्दीबाजी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मत कर लीजिएगा, बीच में माइनस सिंबल है, आप ओपन करेंगे इसको ऐसे ही माइनस सिंबल √3 माइनस माइनस प्लस आई √2, √3 √3 कैंसिल हो जाएंगे, √2i √2i है, आगे पीछे लिख रखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, √2i √2i आ जाएगा 2√2i, और ऊपर 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, i का स्क्वायर अपॉन ये √2i हो गया। अब आप ध्यान रखिए, आपने पढ़ा था रैशनलाइज में √2 नीचे नहीं होना चाहिए, रूट वाली चीजें कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होती हैं, और आई या नहीं होता है ये हमने यहाँ सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में। तो ये दोनों प्रॉब्लम कर रहे हैं, इसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फिलहाल पहले हमने आई स्क्वायर की जगह -1 रखा तो 9 + 5 = 14 हो गया, तो इन दोनों चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, तो इन्हीं से हमने क्या किया, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर 14√2i हो गया, नीचे 2 इसी तरह से है, √2 √2 2 बनाएंगे, और आई आई स्क्वायर बनाएंगे। अब क्या होगा, नीचे देखिए 2 2 जा 4, तो ये 2 से 2 2 जा और 2 7 जा कैंसिल, आई स्क्वायर कीजिएगा -1, अब ये माइनस क्या बचा ऊपर 7√2i/2, और माइनस सिंबल को हम ऊपर लेंगे तो -7√2i/2, यही इसका आंसर है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम बचे हुए आगे के जो आने वाले हमारे चैप्टर है उससे पहले 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं एनसीईआरटी में, कॉन्सेप्ट सारे शुरू के 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं, 4th वीडियो है ये, ठीक है, तो सारे वीडियो देखिए, और वो जो 2 न्यूमेरिक आगे एग्जाम्पल आएंगे और अगली एक्सरसाइज आएगी 5.2 वो अगले वीडियो में करेंगे। रोज 9 से 10 के बीच में एक वीडियो पक्का आने वाली है मैथ्स की 11th क्लास के लिए, ये वाली कॉम्प्लेक्स नंबर वाली सीरीज चल रही है, इसके बाद अगले चैप्टर्स को और बाकी चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।